हाय, मैं रिंकू शर्मा, युम्बा टीम, राइट कॉर्नर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 12-13 साल हो गए कबड्डी खेलते हुए, तो मेरे गांव में गेम ही कबड्डी है, दूसरा कोई अदरवाइज कोई गेम नहीं है। तो ये प्रदीप नरवाल, जोगिंदर नरवाल, कुलदीप सिंह और राजेश नरवाल, राकेश नरवाल, ये सभी मेरे सीनियर हैं, मेरे ग्राउंड से ही हैं। तो इन्हीं को देखकर मैंने कबड्डी चालू किया था। देखिए, मैं और अरेंद्र दो प्लेयर थे कोर्ट में, तो अरेंद्र सेल्प आउट हो गया था, तो शायद 8-9 सेकंड बचा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ट्राई की करूं, और वो मैंने ट्राई किया और मैं सक्सेस हो गया। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने ये रिकॉर्ड बनाया है, पर बाद में पता चला कि हाँ, मैंने ये 1x1 रिकॉर्ड बनाया है, तो बहुत अच्छा लगा। जब मैं सीजन 9 में वाइस कैप्टन बनाया और बाद में सुरेंद्र पाजी को थोड़ा इंजर्ड हो गए थे, तो मैंने कैप्टनशिप भी की, तो थोड़ा मतलब ये टीम को तो साथ में चलाना ही है, खुद को भी मतलब डबल परफॉर्मेंस करनी पड़ती है, क्योंकि कैप्टन ही खुद परफॉर्मेंस देगा, तभी उसको देखकर बाकी के लोग भी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो थोड़ा मुश्किल तो है, पर मैच्योरिटी आ गई धीरे धीरे और गेम को हम समझने लगे। मैं सबके साथ मतलब हंसी मजाक में ही रहता हूँ, और मतलब सबसे क्लोज तो मतलब अब सुरेंद्र है, जैसे मेरा रूममेट भी है और हमारा कैप्टन भी है, तो हम टीम के बारे में बातें भी करते रहते हैं। जैसे गुमान है, गुमान के साथ भी मैं रह चुका हूँ, पहले से भी जानता हूँ, तो और मैं हंसी मजाक तो सभी के साथ है, मैं गुल मिल के ही रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक को के साथ ही रहता हूँ, मैं पूरी टीम को मतलब सुरेंद्र भाई है, मैं हूँ, गुमान है, तो हम साथ में ही रहते हैं। देखिए, मैच पे हम जब जाते हैं मैच के लिए, तो वो एक अलग ही उसमें देखते हैं, मतलब कि चाहे सामने कोई भी हो, तो डरना तो है ही नहीं, कबड्डी में डर गए तो मर गए, तो डरना तो किसी से है ही नहीं। और जो मैच के बाहर की बात है, वो मैं सभी के साथ में हंसी मजाक में ही रहता हूँ।